गैस यहाँ पर अपने वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स में हम लोगों ने सबसे पहले तो MongoDB देखा था क्या होता है, और MongoDB के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया था कि MongoD और Mongo में डिफरेंस देखा था। और फिर हमने यहाँ पर इससे पहले एक अपनी बैकएंड वेबसाइट बनाई थी पग नोड JS की मदद से। तो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले तो, कि मैंने यहाँ पर ये जो पग है इसको पॉज किया है और MongoDB स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर MongoDB स्टार्ट करेंगे, MongoDB यूज़ करेंगे अपने डेटाबेस के तौर पर, और नोड और मोंगो का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है और बहुत ही अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता है, और उस रिश्ते की वजह है जावास्क्रिप्ट, जो MongoDB के अंदर हम जितने भी कमांड्स वगैरह होते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स देते हैं, वो एकदम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। और ये नोड JS को एक बहुत अच्छा कैंडिडेट बनाता है MongoDB के साथ यूज़ करने का। तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूँगा, पावर शेल खोलूँगा। तो मैंने यहाँ पर पावर शेल खोल लिया है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं मोंगो डी लिख दूंगा, ठीक है। और मेरा जो मोंगो डी बी है वो स्टार्ट हो चुका है। उसी के साथ साथ मैं एक दूसरा पावर शेल खोलूँगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं मोंगो खोलूँगा सिर्फ। और ये मोंगो शेल है, जैसे कि अगर आप लोगों को मालूम हो, आपने वीडियो देखे हैं तो आप लोग को मालूम होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पर, और मैं उसका नाम रखूँगा tut81.txt। और वो txt मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को MongoDB के कमांड्स देना चाहता हूँ इस फाइल की मदद से। तो सोर्स कोड जो है, मैं यहाँ पर इसको JS कर लेता हूँ, हालांकि ये जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं है, बट अगेन सिंटेक्स हाईलाइटिंग हमें थोड़ी सी मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसको JS कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि हम इन MongoDB में डेटाबेस को किस तरह इंसर्ट कर, डेटा को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है हमें, ठीक है। तो हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। तो मेरी मोंगो शेल कहाँ गई, ये रही मेरी मोंगो शेल। मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़ हैरी कार्ट, और हैरी कार्ट क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट मान लो, है नहीं वैसे लेकिन मान लो। अब यहाँ पर यूज़र लिख दिया मैंने, देखो यूज़ लिखना है मुझे, यूज़ हैरी कार्ट। इसने क्या किया मेरे लिए, एक नया डेटाबेस बना दिया। तो मैं यहाँ पर यूज़ हैरी कार्ट को कुछ इस तरह लिखता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड रख लेता हूँ। तो मैंने विंडोज़ को साइड बाय साइड कर दिया, उससे क्या होगा मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कमांड्स को लिखने में। तो यहाँ पर मैं यूज़ लिखता हूँ हैरी कार्ट, ठीक है। तो मैंने यूज़ हैरी कार्ट लिखा यहाँ पर, तो क्या होगा मेरा जो हैरी कार्ट डेटाबेस है वो बन जाएगा और वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हैरी कार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक फिक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट कह लो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर db डॉट, मैं लिखूँगा db, और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट। और db क्या होता है, db का मतलब हैरी कार्ट है, क्योंकि हम हैरी कार्ट डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा आइटम्स, जो हमारे ई कॉमर्स आइटम है। और मैं यहाँ पर इंसर्ट वन एक फंक्शन है जिसकी मदद से मैं इंसर्ट करूँगा, और ये लेगा अंदर अपने एक ऑब्जेक्ट, मैं एक आइटम इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मैं नेम दे देता हूँ इसको, और नेम मैं दे देता हूँ इसको कुछ भी दे देता हूँ, सैमसंग 30S, ठीक है। एक फ़ोन दे दिया मैंने इसको, और उसी के साथ साथ इसका नाम दे दिया, प्राइस दे देता हूँ, प्राइस हो जाएगा $122, तो प्राइस 123 दे देता हूँ, और रुपीज़ में लिखते हैं ना, डॉलर में क्यों लिखे, 22,000 रुपये मान लो, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है, उसकी रेटिंग होगी 5 में से, मान लो 4.5 रेटिंग है इसकी। और उसी के साथ साथ और क्या हो सकता है, और क्वांटिटी कितनी है स्टॉक में वो लिख देते हैं, और सोल्ड कितनी हो चुकी हैं क्वांटिटीज़ वो लिख देते हैं। तो ये एक मैंने सिंपल सी क्वेरी बनाई है, जो कि मैं यहाँ पर अभी पेस्ट करूँगा, राइट क्लिक किया मैंने और पेस्ट हो गया, और एंटर मारूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, और टेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग RDBMS से आ रहे हैं उनको थोड़ा ईजी होगा, लेकिन इसको कलेक्शन बोलते हैं, इसको टेबल नहीं बोलते हैं। तो आइटम से एक कलेक्शन है जो कि हमने बनाई है, इस कलेक्शन के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है सैमसंग 30S, प्राइस है 22,000, और रेटिंग है 4.5। और इसी तरह मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ये एक अभी इंसर्ट वन किया, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर मल्टीपल हम लोगों को इंसर्ट करने हैं डॉक्यूमेंट्स तो किस तरह करेंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन है इंसर्ट मैनी, और इंसर्ट मैनी फंक्शन के अंदर क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, इंसर्ट मैनी फंक्शन के अंदर आप लोग एक एरे देते हैं और कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स देते हैं। तो अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं एक और ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ यहाँ पर, और उस फ़ोन का नाम कुछ और दे सकता हूँ, मान लो मैं मोटो 30S कर देता हूँ, प्राइस को कर देता हूँ 29,
रेटिंग इसकी मान लो थोड़ी ख़राब है, क्वांटिटी मान लो थोड़ी कम है, और सोल्ड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, तो कम रेटिंग पे भी ज़्यादा सोल्ड हो चुके हैं, कोई रीज़न होगा, ठीक है, जो भी हो सकता है, अमिताभ वगैरह, दिशा पाटनी वगैरह ऐड करती होगी इसका, तो ये बिक रहे हैं सब। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, और ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि डेटा अगर आप लोग देखना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो कैसे देखोगे, तो आप लोग क्या करो, आप लोग को यहाँ पर db.items.find, और आपके सारे के सारे वो आइटम्स आ जाएंगे। लेकिन अब आप में से कई लोग सोचोगे कि ये जो सारे के सारे db.items.find से आइटम आप लोगों को दिखाई दिए हैं, क्या गारंटी है कि ये आइटम्स डेटाबेस में स्टोर्ड हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमने जो यहाँ पर डेटा डायरेक्टरी बनाई थी उसके अंदर सारा का सारा डेटा हमारा जाता चला जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ कंट्रोल सी से, ऑब्वियसली ये भी स्टॉप हो जाएगा, ये भी एग्जिट कर जाएगा मेरा, और यहाँ पर इसको भी एरर मिल गया क्योंकि जो मेरा डेटाबेस था, डेटाबेस की मेन प्रोसेस, वो मैंने स्टॉप कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वापस से डेटाबेस की प्रोसेस को स्टार्ट करूँगा और वापस से मोंगो को भी स्टार्ट करूँगा, और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा डीबी डॉट, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा यहाँ पर यूज़, और यूज़ के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले मैं शो डीबीएस कर देता हूँ, उससे मेरे सारे डीबी आ जाएंगे, फिर मैं यूज़ हैरी कार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर स्विच टू डीबी हैरी कार्ट आ गया। अब आपसे मेरा एक सवाल है और आपको कमेंट में इसका जवाब लिखना है। सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डीबी डॉट आइटम्स डॉट फाइंड, तो क्या वो जो सैमसंग वाला फ़ोन मैंने ऐड किया था पहले, वो मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्योंकि मैंने तो मोंगो डी प्रोसेस को स्टॉप कर दिया था, तो क्या मुझे दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ये सवाल है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इसका सवाल का जवाब मुझे देना है, तो मैं रुकूंगा आप लोगों के लिए, और आप नीचे कमेंट मारो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों दिखेगा और क्यों नहीं दिखेगा। आई होप कि आप लोगों ने कमेंट मार दिया होगा नीचे अपना, और आप सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, और आप लोग देखो यहाँ पर ये सैमसंग दिखेगा, और ये इसलिए दिखेगा कि क्योंकि हमने जो मोंगो अपना चलाया है, अपना मोंगो डीबी प्रोसेस चलाई है, ये प्रोसेस क्या करती है, ये प्रोसेस कमांड्स को ले लेकर डेटा डायरेक्टरी में डेटा को स्टोर करती है, और क्योंकि इसने एक बार डेटा को स्टोर कर दिया तो वो डेटा तो वहाँ पर परसिस्ट करेगा, परसिस्ट का मतलब है ठहर जाएगा वहाँ पर हमेशा के लिए, जब तक आप डिलीट ना कर दें ऑब्वियसली। तो अगर आप लोगों ने डिलीट कर दिया तब तो ऑब्वियसली आपको ये सब नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने कुछ छेड़खानी नहीं की है, बस प्रोसेस को स्टॉप किया है, तो आप जितनी बार कनेक्ट करेंगे इसको और क्वेरी करने की कोशिश करेंगे, ये इसको क्वेरी बोलते हैं, डेटा को लेने की एक तरकीब, डेटा को लेने का एक तरीका डेटाबेस में से, तो db.items.find आप लोगों को सारे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और अब हम लोग इंसर्ट मेन्यू को देखेंगे। तो हमने क्या किया, इंसर्ट मेन्यू में हमने कहा कि एक एरे होता है, एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स देते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, और आप लोग उसके बाद जितने मन चाहे ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। तो मोटो के बाद मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, रियलमी 80S कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा मैं महंगा फ़ोन बनाना चाहता हूँ, 1,29,000 का, कुछ ज़्यादा का नहीं हो गया क्या, 2.5 रेटिंग रहेगी इसकी, इतना महंगा है, और क्वांटिटी इसकी 633 पड़ी हुई है, और सिर्फ 98 अमीर लोगों ने ख़रीदा है इसको, तो इस तरह से मैं बनाना चाहता हूँ। अब मैं इसको इशू कर दूंगा, कहाँ इशू करूँगा, यहाँ पर, और पावर शेल में पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करना आप लोग, ठीक है, सिर्फ राइट क्लिक, और इसको सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट हो जाता है। देखो सारे के सारे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए, एंटर मारूंगा, और ये देखो अब यहाँ पर जैसे ही db.items.find में रन करूँगा, ये देखो सारे के सारे मुझे ऑब्जेक्ट्स मिल गए। अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ तो ये देखो 1, 2, 3, 4, एक सैमसंग 30S मिला मुझे, सैमसंग 30S एक्चुअली दो बार मिल गया, मैंने दो बार डाल दिया, एक बार तो इंसर्ट वन से डाला था, एक बार मैंने वापस से यहाँ पर इंसर्ट मैनी से भी डाल दिया, तो मुझे शायद इसको सिर्फ एक बार डालना चाहिए था। तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट आ गया है, नेम में सैमसंग 30S, प्राइस में 22,000, लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि मोंगो एक यूनिक आईडी दे देता है सारे के सारे आइटम्स को जो कि ऐड होते हैं, तो ये और ये अलग अलग आईडी से ऐड हुआ है, और आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करना कि यहाँ पर डुप्लीकेट्स आ गए आपके डेटाबेस में, वो सब मोंगो आपका ध्यान रखता है उन सब चीज़ों का, तो उन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैंने जैसे db.items.find किया तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे मिल गए, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डेटा है वो हमारा परसिस्ट करता है, और मोंगो डीबी के अंदर हम इस तरह से जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखो आपने ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर देखी होगी 5e5f,
इसकी ऑब्जेक्ट आईडी और इसकी ऑब्जेक्ट आईडी अलग अलग हैं, देख लो आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये और ये डुप्लीकेट्स नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट आईडी वो चीज़ है जो कि MongoDB आप लोगों को डाल के देता है ऑलरेडी, ताकि आप लोग डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट ना कर बैठो, क्योंकि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ये है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए डेटा, और प्राइमरी की इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में आप लोगों को आ गई होंगी, और आप लोग जो है यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि अगर हमने यहाँ पर नेम के साथ साथ एक कोई नई फील्ड भी ऐड कर दी होती, जैसे बहुत ही अजीब सी बात है लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक फील्ड दे रहा हूँ इज़ रियलमी, रियलमी है या नहीं, ट्रू या फॉल्स में दे रहा हूँ, तो मैंने ट्रू दे दिया, और बाकी मैंने कहीं पर ये इज़ रियलमी नहीं दिया। और एक काम करता हूँ, इस फ्लैप दे देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ इज़ बिग, अगर फ़ोन बड़ा है तो ट्रू या फॉल्स होगा, नहीं है बड़ा तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने ये फील्ड नहीं दी है, यहाँ पर भी ये फील्ड नहीं दी है, तो आपको एक पर्टिकुलर स्कीमा पे अपने डेटा को देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को, उप्स मैंने यहाँ पर गलत ऑब्जेक्ट आईडी कॉपी कर ली एक्चुअली, उप्स मैंने यहाँ पर मोंगो भी एग्जिट कर दी, कोई बात नहीं यार, मैं वापस से स्टार्ट करूँगा इसको, मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंटर, और ये देखो मैंने इंसर्ट कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा db डॉट आइटम्स डॉट फाइंड, तो यहाँ पर देखो सारे के सारे आइटम्स मुझे मिल गए, मोटो मिल गया है मुझे, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक गलती कर दी है, गलती ये कर दी है कि मैंने यूज़ हैरी कार्ट नहीं किया, मैंने टेस्ट डीबी में डाल दिया सब कुछ, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट डेटाबेस यहाँ पर ये यूज़ करता है, मतलब मैं ध्यान नहीं दे पाया उतना, इसलिए मैंने गलती से डाल दिया। लेकिन यूज़ हैरी कार्ट करके अगर मैं वापस से इस चीज़ को रन करूँगा और इसके बाद db डॉट आइटम्स डॉट फाइंड करूँगा, तो ये देखो ये सारे के सारे जो आइटम्स मैंने इंसर्ट किए हैं वो आ गए। नोट करना कि इस बिग ट्रू सिर्फ यहाँ पर है और इन सब में नहीं है, क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि मोंगो डीबी आपके ऊपर कोई स्कीमा इन्फोर्स नहीं करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही कॉलम्स डालने हैं, माई सीक्वल वगैरह में आप लोग जाएंगे तो आपको सेम कॉलम सेम फॉर्मेट में डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा, और मोंगो डीबी को यही चीज़ यूनिक बनाती है, और हम लोग देखेंगे इसकी पावर को आगे भी। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया अभी तक तो इसको काइंडली एक्सेस ज़रूर कर लेना, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर करीब 2,11,000 लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया है, विच इज़ गुड, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली इसको एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके इसको करें बुकमार्क, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें, एकदम कंप्लीट कोर्स मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट बना दिया है, तो आप लोग इसको शुरू से देख सकते हैं। अगर आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपके लिए काफ़ी मसाला है इसमें देखने के लिए, और अभी आगे ये बढ़ता ही जा रहा है, मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फाइनली एक ऐसी जगह पर मैं आना चाहता हूँ, अपने आप को देखना चाहता हूँ जहाँ पर कोई ये ना बोल सके कि हैरी भाई आपने ये नहीं सिखाया वेब डेवलपमेंट में, तो मैं सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, और अगर मैंने कोई चीज़ नहीं भी सिखाई तो कम से कम मैंने उसके बारे में आपको इतना सिखा दिया कि वो खुद आप लोग जाकर सीख पाएँ। तो प्रयास ये रहेगा कि इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना है, और जब तक ये कोर्स कंप्लीट हो नहीं जाता मैं बोलूँगा नहीं कि ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो इसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगा कोर्स को, और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं मैं आशा करता हूँ। ये सोर्स कोड जो है, जो कमांड्स लिखे हैं हमने, ये सब आपको मिल जाएंगे, मैं नीचे ये जो फाइल है इसको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो उसको लाइक ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।